दिया हुआ। तो ये जो चार पांच लोग कविंदर गुप्ता जी के पास मीटिंग के लिए गए थे, इनके अलावा किसी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है? हम बावे वाली माता के चरणों में खड़े हैं, मस्जिद के बिल्कुल सामने खड़े हैं, मंदिर के सामने खड़े हैं, महाराजा हरि सिंह जी के चरणों में खड़े हैं। इनको साक्षी बोल के बोलता हूँ, हमें भी नहीं पता था कि कविंदर गुप्ता के पास जा रहे हैं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। उन्होंने भी अपनी तरफ से पॉजिटिव ही करने की कोशिश की कि इसको मुद्दे को ख़त्म करते हैं, और वो वहाँ पर गए थे पॉजिटिव के लिए ही गए थे। लेकिन वो पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी कैसे बदल गई, वो इनको भी घर आके समझ आई कि हो क्या गया हमसे। और वीडियो जो थी, आपने वहाँ पर देखा हो वीडियोज़, जब आप वो पेज खोलेंगे ना, वहाँ पर दो वीडियोस एक ही मौके की चढ़ी हुई हैं। चढ़ी है ना, उसको बीच में से डिलीट कर दिया गया या काट दिया गया या नेट बंद कर दिया, जो भी होगा क्यों किया गया, सबसे पहले ये सवाल है। चलो खुश रहें सभी, लेकिन हाँ गलती, हम अपनी गलती, हम किसी को नहीं बोल सकते, हम अपनी गलती मान सकते हैं कि हमसे गलती होगी कि हमने जो हमारे जो सीनियर्स थे वहाँ पर गए, पहली गलती ये हो गई। लेकिन विद द पॉजिटिव एक्सपेक्ट गए थे, नेगेटिव एक्सपेक्ट नहीं गए थे। कोई भी ये नहीं कहता जी मुझे मारो, मैं मार खाने वाला हूँ, आ जाओ वीडियो बनाओ मेरी, ऐसा कोई भी नहीं कहता। और वहाँ पर वो गए थे विद अ पॉजिटिव इम्पैक्ट गए थे कि ताकि कुछ पॉजिटिव मिल जाए। और वहाँ पर क्या दर्शाया गया, कैसे लोगों को बताया गया, उसमें जो है वो हम किसी के ऊपर सवाल नहीं खड़े करते, हम अपना ही बोलेंगे कि हमने, आप जैसे ही हमारा एक मीडिया का भाई है, चलो उसका भला हो जाए, हमारा बिगड़ा कुछ नहीं, चलो उसका कुछ भला हो जाएगा तो हम उसमें बोल नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर हम अपने, हमारे प्रधान साहब अगर बोलेंगे, हमें बोलेंगे, हमारी कोर कमेटी अगर बोलेगी, डायरेक्ट करेगी कि आपको एक लीगल एक्शन लो कि 27-28 मिनट की वीडियो थी, क्यों काटी गई, क्यों छाटी गई, और उसको कंप्रेस करके 2-2.5 मिनट में क्यों लाया गया, तो हम ज़रूर उनको लीगल नोटिस भेजेंगे। बट लेकिन गलती उनसे भी हुई, हम मान लेते कि हमसे गलती होगी कि हम वहाँ पर गए, हम मान लेते कि हमसे गलती होगी कि हमने सिर्फ, हमारे जो भाई थे वहाँ पर सिर्फ उनको बुलाया गया, और हम मानते हैं। लेकिन मैं भी, हम भी ये कहते हैं कि अगर 8-10 मीडिया वहाँ पर, आप जैसे निडर मीडिया वाले पहुँचे होते, तो आज सिनेरियो कुछ और होता, आज फेरबदल कुछ और होता, वो माइक जो है वो कविंदर गुप्ता जी के मुंह में डाल देते कि आप माफ़ी मांगो, क्यों नहीं मांग रहे। लेकिन उन्होंने कोई ना तो कोई सवाल किया, आप उस क्लिप में देख सकते हैं, हमारे प्रधान साहब भी थोड़े से मिनट बोले, कविंदर गुप्ता जी भी कोई थोड़ी सी बोले, और वो भी हैप्पी प्रधान जी भी थोड़ी, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट है, वो भी थोड़ा सा बोले, और वीडियो जो है वो 2-2.5 मिनट में ख़त्म कर दी गई। और ये दर्शाया गया कि वहाँ पर गए थे, और ऊपर सिर्फ कैप्शन लगाया गया कि माफ़ी मांगी गई, वो भी एक गलत चीज़ है। मैं भी आपके माध्यम से सभी मीडिया कर्मी जो हमारे वो वहाँ पर गए थे, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि सच जो है वो लोगों को दर्शाया जाए, सच जो है वो लोगों को बताया जाए। आप भी हमारे भाई हैं, ऐसा ना किया जाए, क्योंकि लेकिन अगर कोशिश हुई उसको ख़त्म करने की, एक वहाँ पर एडवोकेट विक्रम जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि युवा राजपूत सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं, बातचीत करेंगे। विक्रम जी कैसे देखते हैं ये जो सारा सिनेरियो जो सामने आया है, आप में भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी इसको लेकर के, क्यों युवा राजपूत सभा के लोग जो हैं या कविंदर गुप्ता जी के साथ मीटिंग जो है वो की गई है? देखिए उन्होंने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा जो है मैंने देखा, उन्होंने भी इस चीज़ को माना है कि चलो उनसे गलती हुई है, क्योंकि उन किसी को ना तो युवा राजपूत सभा की कोई मेंबर्स को, इवन कि आम द जनरल सेक्रेटरी, हमें भी नहीं पता था कि वो वहाँ पर जा रहे हैं। वो एक मीन वाइली कविंदर गुप्ता जी का कॉल आया और उनसे मुलाकात हुई, वो उनको घर पर बुलाया, जैसे आज कविंदर गुप्ता जी ने बोला उन्होंने घर पर बुलाया, वो वहाँ पर घर पर नहीं आए। हमारा घर काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ से, वो बोलते हैं मिडिल प्लेस जो है वो देख लेते हैं, गांधीनगर में हमारे एक मेंबर का घर था, वहाँ पर जो है वहाँ पर एक मुलाकात जो है वो फिक्स की गई और वहाँ पर की, जैसे उन्होंने क्लैरिफाई किया। मीन वाइल कविंदर गुप्ता जी ने वहाँ पर बात की हमसे, उनसे बात की कि यहाँ पे मैं माफ़ी, और जैसे ही वो अंदर एंटर हुए, मैं आपको एक वर्डिंग बता दूँ, उन्होंने हाथ जोड़ के सबसे पहले बोला कि माफ़ी मांगता हूँ मैं अगर गलती होगी। वो पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, हम लोग सियासतदान नहीं है। उन्होंने कैमरा, उन्होंने वहाँ पर जो मीडिया कर्मी हमारे भाई थे, वो भी हमारे भाई थे, फ़र्ज़ उनका भी, सबसे पहले फ़र्ज़ उनका बनता था। और गलती हमारे कुछ भाइयों की भी है जिन्होंने सिर्फ एक मीडिया कर्मी को बुलाया, अगर 15-20 मीडिया कर्मी आप जैसे भाई या कोई और भाई गए होते, वो सवाल पूछते कविंदर गुप्ता जी को, लेकिन उन्होंने सवाल नहीं पूछा, और जो 27-28 मिनट की वीडियो थी वो काट के 2-2.5 मिनट में ला दी और वहाँ पर ही ख़त्म कर दी। और लोगों में एक सेटअप बन गया कि नहीं युवा राजपूत सभा, ये भी बोला गया कि युवा राजपूत सभा उनके घर पर गई है कविंदर गुप्ता जी के माफ़ी मांगने, और ये आज कविंदर गुप्ता जी ने क्लियर किया कि वो ना वो हमारे घर पे आए थे ना हम उनके घर पे गए थे, हम एक थर्ड प्लेस पे मिले थे जो गांधीनगर में था, स्थित हमारे एक भाई का आवास था, वो वहाँ हमने उनसे मुलाकात की। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट, अगर ऐसा कुछ लोगों के नज़रिए में है, हमने बात की है उनसे,
23 सितंबर के बाद कभी भी हम उनसे एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं पर भी उनके आवास में या कहीं पर भी सभी मीडिया कर्मियों को बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सभी के सामने उनसे बात करवाएंगे कि हाँ आपने अगर गलती की आप माफ़ी मांगो। और वो बोलते हैं मैं क्लियर करूँगा, उसमें कोई मुझे कोई दोराई नहीं है, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, मुझे माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन उन्होंने डिस्पाइट ऑफ दैट इतना कुछ हुआ, 50 से 60 उन्होंने इंटरव्यूज दिए, वहाँ पर उन्होंने बोला कि मुझे खेद है, जो भी बोला खेद बोला या माफ़ी मांगी, खेद और माफ़ी में डिफरेंस होता तभी हम में थोड़ा सा था रोष था कि उसने माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन हाँ उन्होंने ये क्लैरिफाई किया, कल भी उन्होंने माफ़ी मांगी थी परसों, लेकिन आज उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारे मतभेद जो है वो खत्म हो गए थे। उन्होंने राजभू सभा जिंदाबाद के वहाँ पर नारे भी लगा दिए। लेकिन उनसे हमें बात हुई जब, वो बोलते हम जल्दी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर 23 सितंबर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, और लोगों के सामने मैं पर्टिकुलर लोगों के सामने बैठ के सभी को संबोधित करूँगा और अगर मेरे से गलती हुई है मैं खुद माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हमने उनसे बात की कि माफ़ी मांगने से ना आप छोटे होंगे ना हम छोटे होंगे, और अगर हमारे प्रधान साहब, जैसे कई लोगों ने बोला कि आपने गलती की, हमारे प्रधान साहब ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली सबसे कि अगर आपको लगता है कि मैंने गलती की मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी मांगने से बड़प्पन होता है, छोटा कोई नहीं बनता। लेकिन हाँ मैं सभी डोगरों से बात करूँगा, सभी जम्मू वासियों से, युवा राजभू सभा इज़ अ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अगेन आई एम टेलिंग दिस टू ऑल जम्मू डोगरास, युवा राजभू सभा हैज़ नथिंग विद एमपी इलेक्शन और एनी विद एनी पार्टी और विद एमएलए इलेक्शन और विद कॉर्पोरेशन इलेक्शन और विद एनी पार्टी, हैज़ नो लिंक विद एनी पार्टी, और हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर जम्मू के लोग हमें बोलेंगे कि आपने नहीं करनी है जम्मू के लोगों की बात, जम्मू के डोगरों की बात, युवा राजभू सभा अगर वो एक मंच पर बोल दें, युवा राजभू सभा कभी आपको जम्मू के डोगरों की बात करते हुए नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जुबान के पक्के हैं। इज्जत जो होती है वो सबसे पहले है, सर्वोपरि है। हम वहाँ पर गए थे, देखिए कभी भी किसी ने, कहते हैं ना मैं आपसे बात करूँ, कभी किसी ने कपड़े खोलने होते हैं वो मीडिया को बुला के कपड़े नहीं खोलता, उनमें कुछ पॉजिटिव था तभी वो वहाँ पर गए थे, तभी मीडिया कर्मी को बुलाया गया था। लेकिन उसको कैसे दर्शाया गया पब्लिकली लोगों के बीच में, वो थोड़ा सा अजमंजस रहा, जिससे हमें भी नाराज़गी थी कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब हमें कल शाम को क्लैरिफाई किया गया कि ऐसे ऐसे बात हुई थी, वहाँ पर ऐसे ऐसे मोल्ड किया गया, और वो अगर मे भी 7-8 आप जैसे भाइयों को अगर बुला लेते वहाँ पर, तो ये आज जो सिनेरियो बना वो वैसा सिनेरियो बनता नहीं। आपने कुछ चाहत ऐसी है कि उस मीडिया कर्मी के खिलाफ या उस मीडिया एजेंसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए? क्योंकि अगर पूरी बात आपने मेरे साथ पूरी बात की है, अगर मैं इसमें कुछ काट छांट करके चलाऊं आपको भी बुरा लगेगा कि भाई मैंने पूरी बात की थी तो इन्होंने आधी की चलाई। हमें देखिए बुरा तो हमें बड़ा लगा, लेकिन मीडिया जो होता है वो एक स्तंभ होता है, तीसरा स्तंभ गिना जाता है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में रहता हूँ, यहाँ पर मीडिया जो है वो खुल के भागे आती है। आप कभी दिल्ली चले जाएं, कहीं और चले जाएं, वहाँ पर आपको मीडिया आपके साथ नहीं खड़ी मिलेगी। वहाँ पर एक छोटे छोटे जो चैनल्स होते हैं वही आपको साथ, लेकिन यहाँ पर बहुत एक आज़ादी है प्रेस को और प्रेस मीडिया खुल के बोलती है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसी बात की है, मुझे अगर लीगल एक्शन की बात की जाए तो मैं उस पर कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वो भी आप जैसे ही हमारा एक मीडिया का भाई है, चलो उसका भला हो जाए, हमारा बिगड़ा कुछ नहीं, चलो उसका कुछ भला हो जाएगा तो हम उसमें बोल नहीं सकते। लेकिन हाँ अगर हम अपने, हमारे प्रधान साहब अगर बोलेंगे हमें, बोलेंगे हमारी कोर कमेटी अगर बोलेगी, डायरेक्ट करेगी कि आपको एक लीगल एक्शन लो कि 27-28 मिनट की वीडियो थी, क्यों काटी गई, क्यों छाटी गई और उसको कंप्रेस करके 2-2.5 मिनट में क्यों लाया गया, तो हम ज़रूर उनको लीगल नोटिस भेजेंगे। बट लेकिन गलती उनसे भी हुई, हम मान लेते कि हमसे गलती होगी कि हम वहाँ पर गए, हम मान लेते कि हमसे गलती होगी कि हमने सिर्फ हमारे जो भाई थे वहाँ पर सिर्फ उनको बुलाया गया, और हम मानते हैं। लेकिन मैं भी, हम भी ये कहते हैं कि अगर 8-10 मीडिया वहाँ पर, आप जैसे निडर मीडिया वाले पहुँचे होते तो आज सिनेरियो कुछ और होता, आज फेरबदल कुछ और होता, वो माइक जो है वो कविंदर गुप्ता जी के मुंह में डाल देते कि आप माफ़ी मांगो, क्यों नहीं मांग रहे। लेकिन उन्होंने कोई नाक तो कोई सवाल किया, आप उस क्लिप में देख सकते हैं, हमारे प्रधान साहब भी थोड़े से मिनट बोले, कविंदर गुप्ता जी भी कोई थोड़ी सी बोले, और वो भी हैप्पी प्रधान जी भी थोड़ी, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट है वो भी थोड़ा सा बोले, और वीडियो जो है वो 2-2.5 मिनट में ख़त्म कर दी गई, और ये दर्शाया गया कि वहाँ पर गए थे, और ऊपर सिर्फ कैप्शन लगाया गया कि माफ़ी मांगी गई, वो भी एक गलत चीज़ है। मैं भी आपके माध्यम से सभी मीडिया कर्मी जो हमारे वो वहाँ पर गए थे, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि सच जो है वो लोगों को दर्शाया जाए, सच जो है वो लोगों को बताया जाए, आप भी हमारे भाई हैं, ऐसा ना किया जाए। क्योंकि लेकिन अगर कोशिश हुई उसको ख़त्म करने की, एक वहाँ पर थी, आपको क्लैरिफाई करना चाहिए था लोगों को, एक अगर डिस्प्यूट, आप वहाँ पर पहुँचे थे डिस्प्यूट ख़त्म करवाने के लिए, आपको वहाँ पर डिस्प्यूट ख़त्म करना चाहिए था, आपको वहाँ पर क्लैरिफाई करवाना चाहिए, जब उन्होंने हाथ जोड़े आपको वो क्लिप जो है वो बाहर लानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। चलो उनका भी भला हो, हम उस पर कुछ बोल नहीं सकते। विक्रम जी आज बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है कविंदर गुप्ता जी के प्रति आपका, आप कह रहे हैं कि अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने जो सवाल कविंदर गुप्ता जी पे उठाए हैं शायद ही आज तक जम्मू में किसी ने उठाए होंगे। वो जम्मू के मेयर रहे, डिप्टी सीएम रहे, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, लेकिन आपने वो सवाल उन पे खड़ा कर दिया कि वो जम्मू के हैं ही नहीं, वो स्टेट के, इस यूनियन टेरिटरी के हैं ही नहीं, वो पहले अपना पता करें वो कहाँ के हैं और फिर जम्मू के डोगरों की बात करें। बिल्कुल,
यहाँ से मेरा एक भाई है विशाल सिंह जी, हमारे मीडिया वो कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की दैट इज़ फादर इज़ अ नॉन सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट होल्डर। मैंने इसके लिए हमारे सीनियर वकील थे शेख शकील जी, हमारे जेपी गांधी सर, हमारे राकेश चरगोत्रा सर, मैंने उनसे भी बात की है कि आप इसके ऊपर कोई कंप्लेंट वगैरह इसके ऊपर लगानी चाहिए कि एक नॉन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर उनका बेटा यहाँ पर आके स्टेट सब्जेक्ट बनाता है और यहाँ का कॉरपोरेशन की इलेक्शन लड़ता है, मेयर बनता है, उसके बाद डिप्टी एमएलए बनता है, फिर डिप्टी सीएम बनता है, फिर स्पीकर बनता है। मतलब कि एक कार्य प्रणाली, एक एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर यहाँ पर सबसे बड़ा देखा गया। हमारा सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए आज भी नहीं है। मैं थोड़ा सा थक गया हूँ क्योंकि 10-15 वाइडें दे दी, हमारे में जोश है, हम युवा हैं, माफी मांग लेते तो खत्म हो जाएगा। माफी मांग लेते हम, ये माफी मांग ले हाथ जोड़ के, हमसे नहीं, युवा राजपूत सभा से। गलती है ना? गलत तो गलत है, मैंने उनको लीगल नोटिस भेजा हुआ है, आप आज भी न्यूज़पेपर देखे वहाँ पर भी छापा हुआ है कि लीगल नोटिस जो है वो महासचिव जो विक्रम जी हैं उनके द्वारा जो है वो उनको भेजा गया, एक कंप्लेंट जो है वो एसपी साउथ में लगाई गई। हमने अपनी तरफ से जितना, भाई जी मैं अपने पर्सनल तौर पर कर सकता मैंने उतना किया और मैं कर रहा हूँ, और जब तक कविंदर गुप्ता जी हमसे नहीं, हमसे क्यों माफ़ी मांगनी, आप जम्मू के लोगों से माफ़ी मांगो, जम्मू के डोगरों से माफ़ी मांगो, आप उन लोगों से माफ़ी मांगो जो सरो टोल प्लाजा के ऊपर गए थे, आप उन मीडिया कर्मियों से माफ़ी मांगो जो सरो टोल प्लाजा में कवरेज करनी गई थी। आपने हमें हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको युवा राजपूत सभा जिंदाबाद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर जिंदाबाद करना आप जम्मू जिंदाबाद करो, आपको अगर जिंदाबाद करना आप डोगरा जिंदाबाद करो, आपको अगर जिंदाबाद करना ही है आप जम्मू कश्मीर जिंदाबाद करो, जम्मू कश्मीर की आवाम को जिंदाबाद करो, हमें जिंदाबाद करने की ज़रूरत नहीं है। माफ़ी मांगनी है आप उनसे माफ़ी मांगो, हमारे जम्मू के डोगरों से माफ़ी मांगो, हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, और वो माफ़ी मांगेंगे ये मेरा आपसे वादा रहा। अगर वो नहीं मांगेंगे, मैंने एक मीडिया वाइट पे चढ़ाया था जब उन्होंने बोला था कि 2000 रुपया मेरे पास। सीनियर आदमी से कितनी बार माफ़ियाँ मंगवाओगे? अभी किसी मीडिया वाले ने नहीं चढ़ाई तो अब उनसे कितनी बार माफ़ी मंगवानी? वो संतुष्टि जो है हमने क्लियर कर दी हमारे प्रधान साहब ने कि उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। वो एक सीनियर है, 65 साल उम्र है, उन्होंने किसी के थ्रू मुझे बोला था कि मैं उसके दादाजी का उम्र हूँ, मेरा लिहाज कर। वीडियो जो डाया शाम को थोड़ी वीडियो जो डॉक्यूमेंट प्रूफ वाली, मैंने पोस्ट जो है वो सुबह चढ़ा दी थी, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट मैंने वीडियो चढ़ाई, लोगों को बताया, उसकी असलियत बताई। लेकिन एक मीडिया, एक सीनियर है, 65 साल से ऊपर की उम्र है, सीनियर सिटीजन हो गया, पता नहीं कितने साल अब बच गए उनके या कितने महीने या वो ईश्वर को पता है, ठीक है, हम उस पर बोल नहीं सकते, लेकिन एक सीनियर है, उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। मीडिया कर्मी ने वहाँ पर नहीं बताया, वो मीडिया कर्मी की भी गलती हो सकती है, हमारी भी गलती हो सकती है, हमने उनको पूछा नहीं कि आपने क्यों नहीं चढ़ाया, चढ़ाओ। हाँ, अब लोग हमारे जम्मू के जो लोग हैं, आवाम है, वो बोल रही है कि उसको पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए, तो हमने उनसे भी बोला है कि आप प्लीज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप सबसे माफ़ी मांग लो। और हमारी प्रधान साहब से भी बात हुई और वो एडमिट किया कि हम 23 के बाद जब आप फ्री हो जाओगे 23 के बाद हम इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ करेंगे और जम्मू के लोगों से माफ़ी मांगेंगे पब्लिकली। जिस टोल को लेकर के ये सारा कुछ हुआ, जम्मू बंद हुआ, चक्का जाम हुआ, ये कंट्रोवर्सी बनी, वो टोल तो अभी भी लगातार चल रहा है, लोगों से टोल लिया जा रहा है, लेकिन वो टोल बंद नहीं हुआ। देखिए, एक जम्मू की आवाम का जो एक ऑर्गेनाइजेशन लड़ाई कर रही है, हमारे डोगरा लड़ाई कर रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ है लड़ाई करना और हम लड़ाई वो छोड़ेंगे नहीं। हम थोड़े से ढीले क्यों पड़े, हमारी 23 सितंबर को रैली है, अभी तक आपको कोई होर्डिंग्स भी नहीं दिख रही होंगी 23 सितंबर की रैली को लेकर, नहीं तो हम हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले ही रैली की पोस्टें जो है वो लगा देते हैं। आज 5 दिन रैली रह गए, हम पोस्टर तक नहीं छपवा पाए हैं। और इस बार आपने युवा राजपूत सभा की, ऐसे तो 50 से 100 के करीब मीटिंगें करते हैं, हर प्रांत में जाके आरसपुरा, कठुआ, प्लायंवाला, सुंदरवनी, नशहरा, रजौरी, पुंछ भी जाते हैं, अभी तक हमने सिर्फ बिलावर गए और कहीं पर हमने मीटिंग भी नहीं कर पाए। परसों चौथ हम आरसपुरा, वहाँ पर परसों जब यहाँ जिस दिन का ये वाक्य उस दिन आरसपुरा जा पाए और आज तक हम मीटिंग भी नहीं कर पाए। 23 सितंबर के बाद हमारे जैसे प्रधान साहब ने ये बोला है कि सरो टोल प्लाजा का मुद्दा जो है वो हम ठंडे में बस्ते में नहीं डालेंगे, हम उनके लिए लड़ाई करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ की जो, देखिए, गलती हमारी भी है, हम इसकी बात कर रहे हैं, हम स्टेटहुड का सबसे पहला हमारा वो होना चाहिए, यहाँ पर इलेक्शन होनी चाहिए, यहाँ पर हम सबसे, हमें समझ ही नहीं पहले आती है, हम गला किसका दबाएँ, हम DC का गला दबाएँ, हम NHAI वालों को गला दबाएँ, हम MP का गला दबाएँ, हम किसका गला दबाएँ? वो बोलते हैं जी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, किसके पास है उसके हाथ में? इसका मतलब आपने मुद्दा ही गलत चुना है। हमने मुद्दा गलत नहीं चुना है, सरो टोल प्लाजा जो है वो मुद्दा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी की वजह से हमारे यहाँ पर जो है वो सिस्टम जो है वो टोटली फेल हो चुका है। और मैं जम्मू के लोगों से भी, आपके माध्यम से और आपको भी, क्योंकि मीडिया की जो आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बुलंद आवाज़ होती है, आपको भी बोलूँगा कि आप भी लोगों से आग्रह करें कि स्टेटहुड की अपनी मांग करें, आप भी आग्रह करें कि हमारे जम्मू में इलेक्शंस होनी चाहिए। इलेक्शंस होंगी, कोई हमारा प्रतिनिधि बैठा होगा, हमारे यहाँ पर रोड एंड ट्रांसपोर्ट का मंत्री होता, हमने घर पर जाके उसका गला पकड़ के उसे टोल माफ़ करवाना था। लेकिन ये कमज़ोरी हमारी भी है कि हम 9 साल हो गया हमारा प्रदेश, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी, सब कुछ ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा,
लेकिन 9 साल हो गया, 2014 में इलेक्शंस हुई थी, 9 साल हो गया अभी तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस ही नहीं हुई है, 6 साल हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हुई अभी तक इलेक्शंस ही नहीं हो रही हैं। ये हमारी जो है हम लोगों को दबाने के लिए जो है वो कार्य प्रणाली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनाई हुई है। कहते हैं ना, मैं एक ऑफिस में गया था, एक IAS ऑफिसर था, बिहारी था वो, उसने बोला जम्मू में कि जम्मू में सचिवालय की बात करूँगा, उन्होंने बोला उसको नहीं पता था कि मैं युवा राजपूत सभा का मेंबर हूँ। हमने एक RTA लगाई थी उसकी, CIC की, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, हम उसके मतलब वहाँ पर गए हुए थे, और उन्होंने ये बात बोला जम्मू ने लोगों को बड़ा लूटा हुआ है, जम्मू के लोगों ने सेंटर को बड़ा लूटा हुआ है, अब सेंटर लूट रही है तो दर्द क्यों हो रही है। और जब चीख चीख के हमारी सेंट्रल की मीडिया ने बोला कि 370 हट गया, स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का हट गया, नलायकी हमारी हम लोगों की है कि हमने उस स्पेशल स्टेटस को, कि स्पेशल स्टेटस का हमें मतलब समझ नहीं, और उसने हम स्पेशल स्टेटस को जाने दिया, और आज हमारी हालत उसी एप्रोग्रेशन ऑफ 370 के बाद हमारी जो हालत है उसी की वजह से है। जम्मू कश्मीर इज़ द ओनली यूनियन टेरेटरी, यहाँ पर 5 से 6 टोल्स हैं, और कोई भी यूनियन टेरेटरी में टोल्स नहीं है, जम्मू कश्मीर इज़ द ओनली यूनियन टेरेटरी, और यहाँ पर फिर से जो है वो टोल नया लगाने की शुरुआत की जा रही है ठंडी खुई में। तो कहते हैं जी हम 100 टोल प्लाजा हटा रहे हो, आप लगा भी तो रहे ठंडी खुई में, बात हुई कि NHA बोलते हैं हम इसको हटा रहे हैं, हम थोड़ी एक आध महीने में हम इसको उखाड़ देंगे, लेकिन आप ठंडी खुई में तो लगा रहे हैं, थोड़े दिनों में गोमपुल भी लगा रहे हैं, वहाँ पर भी तैयारी कर रहे हैं, बटाड़ा के पास एक नंबर के अखनूर से थोड़ी सी पहले। हमारे जम्मू कश्मीर की हालत ही ख़राब कर दी है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी जम्मू कश्मीर की, मैं सीधा बात करूँगा भारतीय जनता पार्टी की, जो हमारे यहाँ के है वो जम्मू के बोलते हैं कि हम जम्मू के लोगों की आवाज़ है, लेकिन आवाज़ कहाँ, बोलता कोई नहीं है। अब जो लोग आपके नाराज़ थे, आप खुद भी नाराज़ थे, आपके और भी कुछ लोग नाराज़ थे, बड़े सारे लोगों ने जो है रिज़ाइन भी कर दिया युवा राजपूत सभा से, क्या कहना चाहोगे? देखिए, लड़ाई झगड़े तानाकशी घर पे भी होती है और ये परिवार में भी होती है, और ये हमारा परिवार है, युवा राजपूत सभा एक परिवार है। नाराज़गी, हम भी नाराज़ थे कि आपने ये गलत किया, और उन्होंने एडमिट जब किया, जब उनको पता लगा कि अजीत सिंह वहाँ पर हो गया, और उनको एडमिट कर लिया कि हमसे गलती हो गई है, उन्होंने बोला कि नहीं तूने नहीं रिज़ाइन करना है, बार ठीक है। बार बार क्यों इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं जिससे अपने अपने सभा के लोग भी नाराज़ हों और आम जनता भी नाराज़ हो? द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन का जो लैक है ना, ये उसी की वजह से होता है। कल हमने ये डिसीज़न लिया है, मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता को बताना चाहूँगा, जब भी आने वाले टाइम में कोई भी डिसीज़न लिया जाएगा, 2-4 व्यक्ति डिसीज़न ही लेंगे, डिसीज़न लास्ट हमारे प्रेसिडेंट साहब का ही होगा, लेकिन कोर कमेटी और स्टेट टीम को विद उनसे परामर्श करके उसके बाद ही कोई डिसीज़न लिया जाएगा। ऐसे कोई भी सड़क पे खड़े होकर डिसीज़न ही कोई भी लिया जाएगा, जो भी इतना इंपॉर्टेंट डिसीज़न होगा, ये हमने कल डिसीज़न ले लिया होगा। ये जो 4-5 लोग कविंदर गुप्ता जी के पास मीटिंग के लिए गए थे, इनके अलावा किसी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है? हम बावे वाली माता के चरणों में खड़े हैं, मस्जिद के बिल्कुल सामने खड़े हैं, मंदिर के सामने खड़े हैं, महाराजा हरि सिंह जी के चरणों में खड़े हैं, इनको साक्षी बोल के बोलता हूँ, हमें भी नहीं पता था कि कविंदर गुप्ता के पास जा रहे हैं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। उन्होंने भी अपनी तरफ से पॉजिटिव ही करने की कोशिश की कि इसको मुद्दे को ख़त्म करते हैं, और वो वहाँ पर गए थे पॉजिटिव के लिए ही गए थे, लेकिन वो पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी कैसे बदल गई, वो इनको भी घर आके समझ आई कि हो क्या गया हमसे। और वीडियो जो थी, आपने वहाँ पर देखा हो वीडियोज़, जब आप वो पेज खोलेंगे ना, वहाँ पर 2 वीडियोज़ एक ही मौके की चढ़ी हुई हैं, चढ़ी है ना, उसको बीच में से डिलीट कर दिया गया या काट दिया गया या नेट बंद कर दिया, जो भी होगा क्यों किया गया, सबसे पहले ये सवाल है। चलो खुश रहें सभी, लेकिन हाँ, गलती हम अपनी गलती, हम किसी को नहीं बोल सकते, हम अपनी गलती मान सकते हैं कि हमसे गलती होगी, कि हमने जो हमारे जो सीनियर्स थे वहाँ पर गए, पहली गलती ये हो गई, लेकिन विद द पॉजिटिव एक्सपेक्ट गए थे, नेगेटिव एक्सपेक्ट नहीं गए थे। कोई भी ये नहीं कहता जी मुझे मारो, मैं मार खाने वाला हूँ, आज वो वीडियो बनाओ मेरी, ऐसा कोई भी नहीं कहता। और वहाँ पर वो गए थे विद अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, गए थे कि ताकि कुछ पॉजिटिव मिल जाए, और वहाँ पर क्या दर्शाया गया, कैसे लोगों को बताया गया, उसमें जो है वो हम किसी के ऊपर सवाल नहीं खड़े करते, हम अपना ही बोलेंगे कि हमने गलती कर दी कि वहाँ पर एक मीडियाकर्मी को बुलाया, या जिसने भी बुलाया या उनसे उनके द्वारा बुलाए गए, हमें उनको बोलना चाहिए कि आप 10-15 मीडिया वालों को बुला लो, ताकि हम बैठ के सबसे बात कर लेते। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट विक्रम जी, जनरल सेक्रेटरी युवा राजपूत सभा। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजेदार अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।